हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीजीएल 2020 की। और प्लीज़ इस कोरोना टाइम में बच के रहिएगा और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए जो बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है। आप लोग स्वस्थ रहिएगा। तो देखिए, आज का हमारी जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है सीजीएल 2020। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हैं कि क्या ये सीटी के थ्रू होगा या नहीं होगा। अब जैसे नोटिफिकेशन है, अब जैसे अभी कोविड चल रहा है, काफ़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। जो दूसरी लहर है वो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसके थ्रू जो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के भी बहुत चांसेस हैं। और ये आगे एग्ज़ाम जो है वो आपका एटलीस्ट जुलाई के बाद ही आपके होने के चांसेस हैं एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट होने, और उससे पहले शायद सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो बाकी पेंडिंग थे वो कंडक्ट होंगे, फिर आपका सीजीएल का होगा। लैब्स वगैरह बुक करनी पड़ती हैं, सारी बस वगैरह व्यवस्थाएं जब चलेंगी तभी तो प्रॉपर एग्ज़ाम हो पाएंगे। पिछले साल भी यही हुआ था, व्यवस्थाएँ बहुत देर में जा कर के सही हुई थी, तो उसके बाद अक्टूबर के बाद पेपर होने शुरू हुए थे। तो अभी भी बिल्कुल सारी चीज़ें एक तरीके से सेट करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं जाके आपको एग्ज़ाम के लिए बैठने दिया जाएगा, क्योंकि इस बार ख़तरनाक ज़्यादा है। तो नोटिफिकेशन तो अब आएगी आएगी, मतलब जैसे 2020 की नोटिफिकेशन थी तो पीछे 2020 वाला जो ईयर था उसमें नोटिफिकेशन आ गई थी, तो अभी जो नोटिफिकेशन है 2021 की भी आनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि इस बार एनआरए का गठन हुआ ही नहीं है, तो सीईटी के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह सेंटर बनने थे, मतलब बोला गया था ना हर डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बनेंगे, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इवन एनआरए का गठन भी नहीं हुआ, और आपके जो तीन एग्ज़ाम होते थे, तीन जो मिलके आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, एसएससी, बैंक और रेलवे, और तीनों को आपस में मिलकर के मतलब ये डिसाइड करना था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होंगे, क्या क्या फ़ीस रखी जानी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होना चाहिए, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में अब आपका जो बैंक का इस साल की जो 2021 की लेटेस्ट वैकेंसी थी बैंक की, वो ऑलरेडी आ चुकी है एसबीआई की। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2021 की वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है एसबीआई बैंक की जूनियर एसोसिएट की। तो इस वैकेंसी भी काफ़ी वैसे कम है, 5,000 के आसपास वैकेंसी हैं, तो ये 2021 की वैकेंसी है। इसी तरह से बाकी वैकेंसी भी आपकी देख लेना, बैंक की आएंगी, स्पेशलिटी ऑफिसर की हैं वैकेंसी, वो आप देख लेना जो वैकेंसियाँ आएंगी। तो बैंक की और वैकेंसी अगर आई हैं, तो फिर जब ये वाली वैकेंसी उन्होंने सीईटी के थ्रू नहीं करवाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं, और गठन भी नहीं हुआ है एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, तो फिर आपके एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी यही है कि सीईटी के थ्रू ना हो आपका। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जब ये बैंक वाला जो एग्ज़ाम जो सीईटी के अंडर होता वो इन्होंने नहीं करवाया है, तो सीजीएल में नोटिफिकेशन उस टाइम पर ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। उस टाइम तक सब कुछ तैयार होना, हर डिस्ट्रिक्ट में सीईटी का फॉर्मेट, एनआरए का गठन और मीटिंगें बुलाना, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि ये आपका नॉर्मल जैसे आपके नोटिफिकेशन आती है उसके थ्रू ही होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और इस चैनल पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आरटीआई रिप्लाई, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद।